गुड इवनिंग सभी को, वेलकम टू इंडिया स्टडीज। देखिए आज हम करेंगे बहुत अलग यानी स्पेशल चैप्टर, और आज मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास करवाने वाली हूँ। आज आप काउंटिंग फिगर यानी जितने भी ट्रायंगल्स हैं, चाहे आपको किसी तरह से काट पीट के अलग अलग दे दिए जाए, आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। ओके, और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाऊंगी, पूरा का पूरा प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कभी 2016 के क्वेश्चन आएंगे, कभी 17 के आएंगे, कभी और भी पुराने आ जाएंगे, कुछ 2020 के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले के एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है, वो जितने मतलब सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट हाँ मोस्टली पार्ट जो है आज हम कवर करने वाले हैं। SSC एक क्वेश्चन काउंटिंग फिगर का जरूर डालता है, और उसमें 90% चांसेस होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने के ट्रायंगल्स वाले। अभी तक ऐसा हुआ है, हालांकि आगे चेंज हो जाए, बट मोस्टली आपके ट्रायंगल्स के आते हैं। तो क्लास एक बार स्टार्ट कर दी जाएगी, उससे पहले आप सभी जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करी है वो क्लास को लाइक करो जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक दोस्त तक साथ शेयर नहीं करा है तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके आ जाओ क्लास को, ठीक है। एंड अगेन गुड इवनिंग सभी को। तो क्लास शेयर करो भाई, फटाफट से क्लास शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी जो है सारे के सारे आपके फ्रेंड्स जुड़ जाएं, ठीक है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है कि CHSL के एग्जाम में पूछा गया था 2016 CHSL में पूछा गया था, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको देख के और ढूंढ पाए कि इसमें कितने त्रिभुज छिपे बैठे हैं। ओके, जल्दी से जल्दी बताइए इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करें। मैं इंग्लिश की क्लास तो यहाँ पे होती है ना, सोनी मैम की क्लास लो, आपकी प्रिपेयर हो जाएगी इंग्लिश। क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, अच्छे से दिख रहा है। अब बताइए कितने ट्रायंगल है यहाँ पे, मैंने इसको जूम भी कर दिया अच्छे से। मेरा नाम क्या है क्या टाइटल में लिखा होगा, एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन एज इट आपको ऐसे दिया जाएगा जैसे तुम पेपर में बैठे हो, और पेपर में तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना टाइम होता है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन में 40 सेकंड से ज्यादा, 40-50 तो मैक्सिमम हो गई है ना, 40 से ज्यादा सेकंड देने ही नहीं होते हमें, ज्यादा सेकंड उनके लिए बचा के रखो जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, और ऑब्वियसली वहां पे सोल्व करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, या उनके लिए इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आप सभी को। तो दाना कुमावत बोल रहे मैम 21 आएगा, अनुपम बोल रहे मैम 24 आएगा, ओके, गौतम यादव 24 21, दाना गुनावत, ओके, मीना, तो कितना लंबा छोड़ा नाम है। मदन जल्दी से आंसर बताओ, जूही एंड मदन एंड बहुत सारे बच्चे संजय, तो हेलो संजय, जल्दी से बताइए तुम लोगों, मतलब आंसर निकालो तो सही, एटलीस्ट सही या गलत जो भी निकले एक बार कोशिश करो इस सवाल के साथ क्या आना चाहिए। अनुपम पाल मैम, क्या सच में इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाल छोड़ दी, कहां कहां से क्या क्या सुन के आ जाते हो भाई। 21 आ रहा है, 17 आ रहा है, एंड आ रहा है मतलब, ठीक है। ये मधु वर्मा, अच्छा मधु वर्मा का कहीं मैंने और भी पढ़ा था, ये मतलब मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं पेड ग्रुप में, उसमें से एक बच्चे ने डाल रखा था, वो कोई और थी या मधु, मतलब कि मेरे रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगवा दो, अपने पति को दबा कर रखू, इतनी बड़ी नौकरी होती है क्या रेलवे ग्रुप डी की, और किसी इंसान को दबा कर रखा जाए ऐसी कोई नौकरी बनी भी नहीं है ना। ओके, तो वो बेवकूफ होगा वो पति जो दबके रहेगा, मतलब देखो समानता का अधिकार है पतियों को भी है ना, जिस तरह से पत्नी मांग करती है ना कि हमें समानता करे, उस तरह से पतियों को भी है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आई थिंक ये मधु वर्मा की आड़ में कोई और ही दूसरा ही वर्मा है ना, होता है कुछ लड़के यहाँ पे लड़कियों की आईडी बना बना के हाय हेलो कर लेते एक दूसरे से। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है ना, बहुत सारों ने आंसर दिया है, बट ये सही है या गलत है थोड़ा सा चेक करते हैं। क्या हाल है मैम के, अच्छे हाल है भाई, तुम आंसर गलत बता रहे हो तो ठीक
ठीक नहीं हो सकते, बाकी तो अच्छे थे अभी तक। जल्दी से बताइए, मुझे एसी का रिमोट नहीं मिल रहा, मिल चुका है ना? अभी एक बात बताओ, इस तरह से अगर कोई यहाँ पे स्क्वायर या चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज है, उसमें इस तरह से अगर आकृति बन जाती है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4, और 4 2 8 हो जाता है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने देखा है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, सारे के सारे बच्चे ध्यान दो, तो थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। एक बात बताओ, क्या ये आकृति आपको वैसी नहीं दिखाई दे रही? तो 1 2 3 4, तो 4 2 8 यहाँ से आएंगे, और 1 इसको छोटे वाले को नहीं काउंट कर रही, इस लाइन को माइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस लाइन को एक बार के लिए, देखो इस लाइन को मैं मिटा देती हूँ, मिटा दिया। मिटाने के बाद हमें क्या मिला? 2 3 4, 4 2 8, 8 8 जा 16, तो पहले हो गए, कितने हो गए? 16 हो गए। ओके, अब यहाँ तक काम खत्म है। अब इस लाइन को जिस तरह से गायब करा था मैंने, उसी तरह से मैं इसको वापस से जादू से हटा देती हूँ। हट गई तो तुम्हें पता है 1 2 और 3, तो 3 ट्रायंगल इस कोने से आ गए, तो जिनका 17 आंसर आ रहा था उनके तो सपनों पे, मतलब जो खुशी पे है ना, पानी फिर चुका है। ओके, सपना तो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो उनकी खुशी गायब हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे अब 19 आ चुका है, तो 17 वाले तो सारे के सारे गलत है। अब कुछ बच्चों ने 19 आंसर को बदल के 21 कर लिया है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ये जो ट्रायंगल है ये कितना है? 1 ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, तो ठीक है 1 ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अब हम देखेंगे कॉमन वाले ट्रायंगल। तो एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 2 2 आ गया। एक ये वाला दिखाई दे रहा है, 1 2, तो यहां से एक ये वाला, एक ये वाला, तो 2 और हो गए। अब एक इसमें से ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसमें से ये कॉमन दिखाई दे रहा है, एंड और भी मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, और भी आएंगे। और कहां से आएगा? तो अभी तक तो वैसे कुछ नजर नहीं पड़ी है मेरी, ठीक है, ये हो चुका। अब मैं इसको हटा दूं, क्योंकि कॉमन वाला मुझे इधर से तो यही दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, अब मैं इस सारे डायग्राम को हटा दे रही हूँ, है ना। अभी तक 23 हो गए, कितने हो गए? 23। एक और छुपा बैठा है कहीं पे, उसको भी ढूंढ के निकालेंगे थोड़ी देर में। ओके, अब मैं इसको हटा रही हूँ पूरे को, तो यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे तुमने देखा था ये वाला सारा काउंट हो चुका था, यहां तक आपने देखा, एक ये बन गया था, एक ये बन गया था, ठीक है, और एक उसके बाद में कौन सा बना था? ये तो वैसे ही बन रहा था, ठीक है, और कौन सा बनेगा भाई? 24 ही हुए थे ना, 23 हुए थे, तो अभी तक तो 23 हुए, शायद कोई ना कोई अपन ने छोड़ दिया है, है ना। तो वापस से देख लेना, देखो 8 यहाँ से बने थे, 8 यहाँ से बने थे, 16 हो गए, 3 यहाँ से, 19 हो गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंबाइंड वाला देखेंगे, कंबाइंड वाला एक ये हो गया, 20 हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 21 हो गया, एंड 21 के बाद आपने देखा कौन सा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो था, ये यहाँ तक आपने काउंट कर लिया था, यहाँ तक भी ये काउंट हुआ था, तो ये यहाँ तक काउंट नहीं हुआ था, एक यहाँ तक बन गया था। ओके, एंड एक यहाँ तक, ये फाइनली यहाँ तक भी पहुंचेगा, फाइनल स्टेज पे। ओके, तो 2 यहाँ तक ले लिए थे, और तो 2 ये हो गए थे ना, 2 और 2 4, ठीक है, तो कितने हो गए थे भाई? यहाँ पे ध्यान देना, 2 यहाँ पे, एक बड़ा वाला, एक यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 1, तो 24 आ गया, आगे हो गया ना या नहीं हुआ अभी तक? अच्छा 23 1 हो गया या नहीं हुआ? तो क्या 20 2 22 21 24, ओके, तो कितने हो गए ये? 21 हो गए। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो मुझे, ठीक है, कितने हो गए? 24। लॉन्ग सेशन कब आएगा? अभी तो मैं रीजनिंग वाले का भी कोई है नहीं, मैथ का जरूर प्लान कर लूं मैं। बात समझ में आ गई, मैं सीधे सीधे यहाँ बड़े वालों को भी काउंट करना है, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस बड़े वालों को काउंट कर लेना है ना, बड़े वालों को काउंट कर लो भाई। ये जो हो गया, एक बड़ा वाला ये हो गया, एक बड़ा वाला ये हो गया, हो गए 24, ये अभी तक नहीं हुए तुम लोगों के, ठीक है।
अभी तो 23, नहीं, शेखर ये भी तो है बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला एक, ठीक है दो, और यहाँ से ये तीन और ये चार, ये बड़ा वाला काउंट नहीं करोगे क्या तुम? इसको काउंट कर लिया ना लास्ट में। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक और लिखना है, ठीक है तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, तो कितना हो गया, 24 इज राइट आंसर। क्या आएगा? 24 इज राइट आंसर, क्लियर है? एक रह गया, नहीं अरुण हो गया। अच्छा मैंने इसको बनाया नहीं था इसलिए तुम समझे नहीं कि कहाँ पे छुपा बैठे, क्लियर है? 24 हो गए। अरे वापस समझो, जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है 24 बनाने में, चार तो इस पॉइंट से, चार दुनी आठ और चार दुनी आठ, ठीक है क्लियर है? एक ये वाला बनेगा 9, ठीक है, और ऐसे एक बड़ा वाला ये बनेगा, मतलब अब उन ये हो गए, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। देखो 16 एक जगह हो गए थे और 3 ये हो गए थे, कितने हो गए यहाँ पे 19। उसके बाद एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक बड़ा वाला बन गया, तो 3 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये हो चुका, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, एक ये वाला भी तो बनेगा और एक ये बड़ा वाला, इधर वाला बड़ा वाला, और पूरा नहीं इधर वाला बड़ा, तो ये कितने हो गए, 2 और हो गए, ठीक है। 3 2 5 और 3 8 8, यहाँ पे कितने हो गए, 24। क्या समस्या है सब बच्चों को, ठीक है क्लियर है? अब बता दीजिए, 4 नहीं है 19 के बाद यहाँ पे 2, ठीक है, और ये 3 4 5 आएंगे, ठीक है। 19 + 5 = 24 होता है, ठीक है। तो शायद तुम ये बड़ा वाला ये काउंट नहीं कर रहे होगे, ये वाला। अगले सवाल पे बढ़ो, अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, और देखो ये तो इजी है, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें तो कॉन्सेप्ट होता है सीधा सीधा, अगर तुम्हें पता है तो तुम फटाफट से बोल के भी कर दोगे। इसमें तुम्हें ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा इतना होगा उतना होगा, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे 1 2 और 3 डब्बे हैं, यहाँ पे 1 2, ये मत काउंट करने लग जाना, ये 1, तो यहाँ पे 2 3, तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1, तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 14, है ना, 3 है ना ये, तो 14, और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ओके। चले नेक्स्ट वाले सवाल पे, अगले सवाल पे आओ। अब और भी तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो ज्यादा जूम करना पड़ेगा। इसको और भी ज्यादा जूम करना पड़ेगा। अगले सवाल को देखो भाई, जल्दी से क्या कहना चाह रहा है आपका, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आप सभी के सामने है। फोर्टीन हो गया ना, उसमें क्या दिक्कत है? उस बैच की टाइमिंग रात को 8 से 9 है, और आज जिन बच्चों ने बैच ले रखा है, आज मैं करवाने वाली हूँ उसमें जो अभी पेपर हुआ था, कौन सा पेपर, पेपर नंबर फर्स्ट दिया गया था, पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन है आज। तो जिन बच्चों ने अभी तक पेपर नहीं दिया है वो टेस्ट दे ले, क्योंकि 8 बजे पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। 36 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, कुछ बच्चों की तो काउंटिंग रुक गई होगी, कमी आ रहा होगा, है ना।
ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल को अगर मैं लूं तो तीन तीन को ले सकते हैं अपन, हालांकि इसमें तो आप देखोगे तो जाए तो बड़ा वाला, बड़े वालों को मत लो, चले छोटे छोटे के टुकड़े कर लो। तो यहाँ से थ्री, यहाँ से और थ्री यहाँ से, तो सिक्स, तो वन टू थ्री फोर, और सिक्स फोर जा कितने हो गए, सिक्स फोर जा हो गए कितने, 24। ठीक है, सिक्स फोर जा कितने हो गए, 24। क्लियर। अब ये अलग अलग, इस डब्बे की बात हुई, इस डब्बे की बात हुई, इस डब्बे में कितने थे, चार थे, चार के अलावा नहीं निकाल, छह थे, तो 6 4 = 24 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है ना, ये इस तरह से कितना बनाएगा, 3। भाई दो कनेक्ट होके बना रहे, ठीक है। अच्छा, बट ये तो भाई काउंट हो चुका ना, तो इसको तो वैसे तो नहीं काउंट करेंगे, ओके, क्योंकि ये वाला तो काउंट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको नहीं करेंगे। तो ये बड़ा, ये बनेगा कनेक्ट होके 1, ये कनेक्ट होके क्या बनेगा, 2। तो ऐसे ही ये 1 और ये 2 और ये 1 2 1 2, तो कितने हैं, 2 × 4, तो 2 × 4, तो कितने हो गए यहाँ पे, 8। ओके, ये बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति होगी भी नहीं, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, CODR है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब और बड़े बड़े कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो एक आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, देख पा रहे हो ऐसे कि ऐसे, एक यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ओके, एंड यहां से हम यहाँ पे जाएं तो एक यहाँ पे देख पाओगे, देख पाओगे यहाँ पे, देखो चारों कोनों से चार त्रिभुज बन जाएंगे। देखो ध्यान देना, इस वाले से हम बात करें तो इस वाले से ये बन जाएगा, ओके, इस वाले से बात करें तो इस वाले से ये बन जाएगा, ऐसे कैसे, इस वाले से भी बन जाएगा, इस वाले से भी बन जाएगा, तो 4 × 1, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 और हो चुके हैं, हटा दो इसको। इसके अलावा ये इवन नंबर में है, ये किस में है, इवन नंबर में, इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है, ओके, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, तो जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 6, और कितना आ गया, 36 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्लियर। इसी बात पे बढ़े हम अगले सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को ज्यादा जूम कर देते हैं ताकि तुम्हारे से डायग्राम सही बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ अनुपम, आप सारे के सारे क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के है ना, फोर में एटीन। ठीक है, कुछ बच्चों के कम काउंट हो रहे हैं तो कम बता दो कोई, जैसे अनिल ने काउंट किया है कि 13 आएंगे मेरे, कुछ भी कर लो मैं तो 13 ही गिनूंगा, है ना, होता है ऐसे, तो गिनो एक बार, सोचो भाई ट्रायंगल से कितने क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ऐसा अगर कोई होता है तो उसमें 3 होते हैं, तो ऐसे करके तो 3 3 6, और ये 3 और 3, तो 6 और 6 12, तो ये हो गए राइट, 12 हो गए। देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ठीक है, और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो कितने हो गए यहाँ पे, मतलब ये वाली लाइन इधर से देखो 3 यहाँ पे बन गए और ये पूरे वाले से 3 यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे और क्या देखेंगे, ध्यान देना, अभी जो 3 3 मैंने काउंट करे हैं, मैंने 3 3 इस वाली लाइन से काउंट करे हैं, तो यहाँ वाला ये जो है ना, इस ये इधर तक हुआ है, ये इधर तक हुआ है, तो इस वाले को काउंट नहीं किया है मैंने, इस वाले को काउंट नहीं किया, ये बड़ा वाला ये छोटा, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है, 2 इधर से हो गए, ऐसे 2 इधर से हो गए, ओके, तो 2 और 2 इधर से, यानी 4 इधर से हो गए, क्लियर है। एंड यहाँ पे आ जाइए, अब
इसके अलावा आप देखेंगे चार हुए ना ये, इसके अलावा एक जो है बड़ा वाला ये तो रह गया, बड़ा वाला तो हुआ भी नहीं अभी तक, तो एक बड़ा वाला हो गया। ओके क्लियर है, और बाकी सारे हमने काउंट कर ही लिए हैं। और इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा किसी को कोई नजर आ रहा है, बड़ा वाला हो चुका ना, ठीक है। अब बताइए एक और हो गया, मतलब 17 हो गए कुल मिला के। इसके अलावा कहां पे किसको क्या नजर आ रहा है, 18 है। ओके बताओ भाई क्या हो सकता है, 18 18। बारह कैसे आए, कौन से 12, राइट काउंट हो चुका है 3 में, 12 वाली समस्या आ रही है तुम्हें भाई। 12 तो तुम अपने हिसाब से कहीं से भी गिन के कर सकते हो, 3 3 के कोई से भी पेयर बना सकते हो। देखो अनिल तुम वापस से ध्यान दो, मैं वापस से समझा लेती हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल से देखना, ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल को ले, इसको बाद में छोड़ दो। ये और ये ट्रायंगल दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या देखोगे कि भाई यहाँ से 3 ये और 3 × 6, तो 3 × 3 × 6, ठीक है। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक फिर 3, तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो ये आगे 12, क्या आगे 12 हो गए, यहाँ तक हो चुके हैं 12। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया आप सभी को कि भाई ये 3 थे, ये 3 थे, उसके मतलब ये हमने एक साथ काउंट किया है, तो एक ये वाला काउंट नहीं किया ना किसी ने, क्योंकि हमने यहाँ तक काउंट किए, उसके बाद ये वाला काउंट किया, उसके बाद ये वाला काउंट किया, एक ये और एक ये काउंट नहीं हुआ, ठीक है। एक तो ये काउंट नहीं हुआ था और एक इधर से ये वाला काउंट नहीं होता। सेम कंडीशन यहाँ पे ये है, ये वाला काउंट नहीं हुआ और सेम ये वाला काउंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें से ये काउंट हुए थे और ये काउंट, तो ये वाला काउंट हुआ, ये वाला और ये, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं हुआ, तो 4 ये हो गए, क्या हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, क्या ध्यान देना, अब ये हो चुका है काउंटिंग फिगर। इसके बाद ध्यान देना, एक ट्रायंगल, इसको हटा दूं, एक ट्रायंगल बड़ा वाला है, क्या है, बड़ा वाला है। अब आप सब 90 डिग्री 90 डिग्री, अरे भाई 90 डिग्री नहीं है, उससे छोटा वाला बीच में, जैसे बड़ा वाला बने वैसे बीच में छोटा वाला भी बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना जब ये सेम सेम पोर्शन बन जाते हैं ना, उसका आंसर इवन नंबर ही आएगा। तो जिस तरह से बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला है, ओके ये छोटा वाला है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, तो एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। बाकी कुछ राइट एंगल, राइट एंगल तो पहले आपने दो दो पार्टों में डिवाइड करके बना लिया है, तो राइट एंगल कहाँ से बनेगा, आंसर आएगा 18। तो दिन भी बच्चों का अलग अलग आंसर निकल रहा था, वो देख लेना एक बार, है ना, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे, भाई क्वाड्रिलेटरल ये वाला हिस्सा है, क्वाड्रिलेटरल ये वाला हिस्सा नहीं है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं है, क्लियर है, ओके सर्विस। अगले सवाल पे बढ़ो, नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल दिखाई दे रहा है सभी को, कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं बना देती हूँ, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, ट्रायंगल को ही काउंट करना है। 18 ही तो दिया था आंसर, बिल्कुल 18 दिया था उनका सही, 12। तो ध्यान देना, देखो इस तरह से ये जो छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कितनी लाइन है, 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 होंगे, सेम टू सेम 6 यहाँ से हो जाएंगे, क्या 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, और 12 कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज राइट है, ऑप्शन ए राइट है, ये ठीक है, ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। अगले सवाल पे आओ,
क्वेश्चन नंबर सिक्स दीजिए सभी आंसर इसका। अनुपम इलेवन नहीं आएगा, ट्वेल्व आएगा। अगला सवाल, वेट कर रहा है आपके आंसर का। वो तो इजी था मदन, इसको बताओ क्या होगा। फिफ्टीन आएगा, सिक्सटीन आएगा, ट्वेल्व आएगा, फोर्टीन आएगा, ट्वेल्व फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन एटीन नहीं आएगा। ध्यान दो भाई सभी, तीन तीन का पेयर बना लो आप। एक पेयर वे बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अरे ये तो वैसे ही काउंट हो रहा है ना, कैसे? यहाँ रेक्टेंगल हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें क्या समस्या है? एट टू जा सिक्सटीन, ये लो आ गया, इसमें तो कुछ और है ही नहीं। ओके, एट टू जा सिक्सटीन, इसमें कुछ नहीं है। दिव्य प्रकाश, ललित, विकास, ठीक है, अभी सारे बच्चे सही आंसर देंगे, देर में देख। बिगिनर स्टूडेंट कैसी तैयारी करे? बिगिनर स्टूडेंट बेसिक से चीजों को सीखे। अगला सवाल आप सभी के सामने है, और ये अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल भी, बताइए क्या होगा। का मल्टीप्लाई सर्वेस, क्योंकि उसमें क्या थे, उसमें इस तरह से स्क्वायर के क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनी हुई लाइनें होती हैं, तो हम जो भी काउंट करके उसको डबल कर लेंगे, अपना ट्रायंगल निकल। बोला बोल रहे मैम 26 आएगा, कुछ बच्चों तो 10-15 तक ही अटक गए होंगे। भाई सवाल में जिसका जो भी आंसर आए वो देना है ना, किसी के पांच निकले तो पांच ही बता देना, दो नहीं, ऐसे एक दो भी आए तो भी बता देना। गलती कोई ऐसे नहीं करेगा, ऐसे दूसरे के देख के आंसर कोई नहीं चिपकाएगा। ट्वेंटी सिक्स आ रहा है, थर्टी सिक्स तो है ही नहीं भाई, इतना भी मत चिपकाओ। बहुत बढ़िया, 26 वाले ज्यादा हैं, 23 वाले भी हैं। चलो ध्यान दो, अब मैं काउंटिंग मैं ही करवा देती हूँ, ध्यान दो। तीन तीन के पेयर बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, तो हम भी बना देंगे। एक तीन का पेयर ये बन रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा ये बन रहा है, दो यहाँ पे, तीसरा ये बन रहा है, चौथे नंबर पे ये बन रहा है, ठीक है, पांचवे नंबर पे ये बन रहा है, छठे नंबर पे ये बन रहा है, और सब बढ़िया, और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, और जबरदस्ती बनाएंगे भी नहीं। तो कितने थे ये, तो ध्यान देना यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सिक्स थ्री जा कितना होता है, एटीन हो गई, कितने हो गए, एटीन, है ना, सिक्स थ्री जा एटीन। वापस से सिक्स के पेयर जो है वो मैं वापस से काउंट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है शॉर्ट में आंसर जल्दी ये दे सकते आपके, तो वन टू और थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स त्रीजा कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए एटीन, ठीक है। इसके बाद हम काउंटिंग करेंगे तो एक ये होगा, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो एक ये हो जाएगा, ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो एक ये हो जाएगा, तो तीन तो ये हो गए, तीन ये हो गए,
प्लस में आप देखेंगे तो एक ये हो जाएगा चार, ओके चार। और अब मैं कनेक्शन वाले यहाँ पे देख रही हूँ, तो चार ये वाला मैंने देख लिया कनेक्शन। अब मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे कनेक्शन आप इस तरह से ढूंढो ताकि आपको ऐसे लगे कि बाकी जो है आप काउंट कर पाओ, है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे अभी तक, 23 हो चुके, 23 सभी के आ भी रहे, मोस्टली बच्चों के आंसर आ रहे हैं 23। तो इस वाले को और इस वाले को हमने अलग अलग काउंट किया था, बट एक जो है इस वाले में बड़ा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी इसमें आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा, एक ट्रायंगल आपका और भी आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आप अगले इन वाले ट्रायंगल्स पे, अगले इन वाले ट्रायंगल्स में ये हो चुका, ओके। अब यहाँ पे और कोई कनेक्शन देखो, यहाँ पे और कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा आप, बट ये देख सकते हो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। तो आप बोलोगे ये वाला बड़ा वाला एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और इधर से नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन पूरी नहीं है, तो दो ट्रायंगल आपके ये हो गए, ठीक है। दो ट्रायंगल आपके ये हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद भी है क्या कोई कनेक्शन? एंड और तो कोई कनेक्शन है नहीं भाई यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो मेरे तो काउंटिंग में 23 आ रहे, 23 तो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे इसमें ना। और ये कितने हो चुके? 26 हो चुके हैं, ठीक है। तो यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। 3-3 के पेयर बने, उसके बाद में हमने अलग अलग देख लिए, और वापस से काउंट कर सकते हो आप अगर अलग अलग वाले, तो ठीक है। ये तो 18 में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, डाउट है तो बाकियों में है। बाकियों में क्या क्या होगा वापस से देखे अपन। तो इस वाले पॉइंट से देखो, ये वाला पॉइंट हो चुका, एंड इस वाले पॉइंट से ये तीन काउंट करे थे। तो यहां से आप देखेंगे और कौन सा, ये तीन काउंट करे थे, कर लिए थे आपने ना। और ये वाला जो काउंट कर लिया था दो, ये हो गया। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है भाई इसमें ना, इसके अलावा, और इसके अलावा बड़ा वाला हो गया। ठीक है, 7 का सी आ रहा है, तो सब सभी बच्चों को समझ में आ गया कितना आएगा भाई। 23 वाले तो सारे गलत है, 16 वाले तो वैसे ही गलत थे, क्योंकि 16 से ज्यादा तो 3-3 वाले पेयर ही ज्यादा आ रहे हैं, क्लियर। अच्छा, एक बच्चा अपने यहाँ पे 29 भी आंसर दे रहा है, एक ऐसा भी है जो बोले कि मैम कुछ भी करो मेरा तो 29 आ रहा है, कैसे भी करके उसको 29 बनाओ। दोबारा काउंट करा इसलिए ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखो तुमसे अगर एक भी अगर ये छूट गया तो पूरा का पूरा ऐसा केस ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 26। हमने दोबारा काउंट कर लिया, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 26 ही तो है ये, तो 20, क्लियर है। बोर्ड भी गिन लिया बोर्ड नहीं गिना इसमें, ट्रेंगल ट्रेंगल काउंट करे। चलो अगले सवाल पे आओ, अगला सवाल देखो। हेलो मैम, मैं कल घर जा रहा हूँ आपकी तरफ से संडे को, बहुत बढ़िया। अगले सवाल बताओ, अगला सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लग चुका है, काफी देर हो गई है उसको, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, बताओ भाई। ठीक है, जब ज्यादा काउंटिंग होती है तो दिक्कत होती है, क्या होगा इसमें? अच्छा 8 आएगा, ओके। मयंक बोल रहे मैम 1 आएगा, 1 बोले तो 8 आएगा, मतलब कुछ 11 आंसर दे रहे हैं, कुछ 9 आंसर दे रहे हैं। लिख के ले लो, तुम्हारे लिए स्टाम्प भी बनवाए क्या बताओ? ध्यान दो सभी, देखो ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें, ये देखो आप, तो 1
टू और थ्री, थ्री और टू फाइव, वन सिक्स, तो कितना आएगा? अब यहाँ पे ये वन, ये टू और ये थ्री और ये पूरा फोर, तो फोर एक ये वाला यहां तक भी पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? फोर, ओके, प्लस में क्या आ जाएगा? वन, क्लियर है, प्लस में क्या आ जाएगा? वन, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये तो ठीक है, तुम यहां तक क्यों नहीं पहुंचे? अब इसको दूसरा कलर इसमें काम नहीं करेगा, ब्लैक कर जाएगा क्या ये? तुम यहां तक क्यों नहीं पहुंचे? ये भी तो है, ये तो यहां तक पहुंचे तो इधर भी पहुंचना पड़ेगा तुम्हें, तो दो और आएंगे, सर तो लिखा नहीं जाए, दो और आएंगे तो कितने हो गए यहाँ पे? टेन और ये थ्री, तो थर्टीन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या आएगा? ऑप्शन, ठीक है। इलेवन वालों को समझ में आ गया होगा क्या गलती कर, अगले सवाल पे पढ़ो। अगला सवाल, ये तो वैसे सबसे इजी होता है, चलो इसमें बताओ आप क्या होगा आंसर। थर्टी सिक्स आ रहा है निखिल जोशी, लेट थोड़ा नहीं बहुत हो गए है ना। मयंक बोल रहे मयंक फोर्टी आएगा, 44 भी आएगा, मदन बोल रहे। इस सवाल में थोड़ा सा सस्पेंस है, सस्पेंस ध्यान देना। अगर मैं एक बार के लिए ये वाली लाइन हटा दूं, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा एक रेक्टेंगल बना है, उसमें क्रॉस लाइन खींची हुई है, और यहां से काउंट करोगे तो वन, यहां बाहर से काउंट कर लेते हैं, ये वन, ये टू और ये थ्री, थ्री मतलब पूरा वाला डब्बा, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, एट, तो एट टू जा सिक्सटीन, यहां से मिल गए, ओके। अब मैं जैसे इस लाइन को हटाती हूं तो अब बाहर वाली लाइन, ये तो हट गया, अब ये वाला रेक्टेंगल नहीं मिला क्या आपको? रेक्टेंगल यहां बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, यहां पे क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टू जा सिक्सटीन, क्लियर है। अब यहां पे कितने आ गए? यहां पे आ गए ये कितने? थर्टी टू, कितने आ गए? 32। एसएससी ने इसका आंसर, एसएससी ने इसका आंसर दिया 40। कैसे? ये काउंट हो गए, ये बड़े बड़े सारे काउंट हो गए, छोटे छोटे वाले को काउंट कर लिया, तो वन काउंट किया, इसको बड़े वाले को टू, इसको थ्री, इसको फोर, तो फोर काउंट करके, अच्छा ठीक आ रहा है, 32 तो आ रहा ही, ओके कितना आ रहा है? 32। लेकिन एक बात बताओ आप, ये जो कोने पे बन रहे हैं, क्या ये तीन डायग्राम नहीं बनाएंगे? वन और टू और पूरा थ्री,
तो 3 into ये 1, 2, 3, 4 तो 4 कितना आ गया यहाँ पे 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 44। आंसर 44 आएगा, बट एसएससी ने इसका आंसर 40 माना था। एसएससी में बहुत बार ऐसा हुआ है, 3-4 बार ऐसा हुआ है कि इन ट्रायंगल काउंटिंग में एक ट्रायंगल वो कम मान लेती है, कभी 2 ट्रायंगल कम मान लेती है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है, बट एसएससी में ऐसा बहुत बार हुआ है। ओके, तो ये बाहर वाले अभी काउंट नहीं हुए, ये बड़ा वाला काउंट हुआ है, ये वाला काउंट है, ये जो तीसरा अलग रह गया ना ये लाइन से, ये काउंट नहीं हुआ है। क्लियर है? तो कितना आएगा, 44 इज राइट आंसर। क्या आएगा, 44। चलिए नेक्स्ट पे, बल्कि इनमें 40 माना गया था, 40 तो वैसे भी कैसे भी करके नहीं आ रहा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा। ऐसे कि कोई क्वेश्चन गलत दे या आंसर, हाँ नंबर मिलता है तुम जब वहां पे वो आता है ना उसमें करेक्शन वाला उस टाइम पे करते हो तो। मोनिका मैं आपके कमेंट देख पा रही हूँ, बिल्कुल हाँ मार्क्स में करेक्शन हो जाता है अगर तुम लिख के भेजते हो तो। पॉइंट वाला ट्रिक बताइए, कितना पॉइंट बनता है, कौन सा पॉइंट वाला ट्रिक। ओके, अगले सवाल देखो, अगला सवाल तुम्हारे सामने लग चुका है, जल्दी से बताइए क्या होगा, स्पीडली। नवनीत बोल रहे मैम 14 आएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, अरे 14 आएगा। ध्यान दो, ये 3-3 वाला पेयर बना लो, एक यहां पे ये 3 वाला पेयर, दो एक ये 3 वाला पेयर, ये वाला 3, तो 3 3 9, 3 3 9 हो गए ना, एक पेयर, दो पेयर और ये 3। अब इसको मैं देती हूं हटा, हटा देने पर एक ये बन गया, बच गया था अपना, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे भी काउंट हो गया था सारा। ओके, तो ये 1 हो गया, तो 10 हो गई। अब इसको हटाएं तो एक जो है अपना ये बन गया 1, तो 1। ओके, और ये 3 काउंट कर लिए थे। ओके, तो ये 3 में ये तो आ गया था, लेकिन जब ये काउंट किया तो ये छोटा टुकड़ा नहीं आया था। क्या हुआ था, ये छोटा वाला टुकड़ा नहीं आया था, जैसे ये छोटा वाला टुकड़ा नहीं आया था वैसे ये वाला टुकड़ा भी नहीं। तो कितने हो गए यहाँ पे, 2 ये हो गए। क्लियर है, क्या हो गए, 2 हो गए। ओके, ये बड़ा वाला पूरा काउंट हो चुका था बट ये छोटा काउंट नहीं हुआ था। ओके, तो कितना आ गया, 1 ये हो गया। देन इसके बाद सारे फाइनली काउंट हो गए और सारे कोई रेक्टेंगल बन रहे, कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहे, बट कितने होंगे ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 40, और 40 नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन डी इज क्लियर आंसर है ना, राइट आंसर आ जाएगा। चैप्टर वाइज ये प्रैक्टिस कराना। ओके, हो चुका अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बताओ भाई,
सर्वेश बोल रहे मैम हम लोग खुद से खाना बनाते और पढ़ाई भी करते, तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है, खुद का खाना तो खुद को ही बनाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है ना, तो उसमें पसीना होता है। चलो यहाँ पे 12-14 अलग अलग आ रहा है भाई, ये क्लास तो फ्री है, बाकी अगर आपको पेड प्रैक्टिस ज्वाइन करना है तो रफ्तार बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे और 15 टेस्ट करवा रही हूँ और हर टेस्ट का सॉल्यूशन, अभी जो मैंने टेस्ट करवाया है उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया, 5 टेस्ट करवा दिए, 5ों का सॉल्यूशन हो चुका है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस पॉइंट से लेंगे तो 1 ये, इस पॉइंट से लेंगे तो 1 ये, इस पॉइंट से लेंगे तो 1 ये, और इस पॉइंट से लेंगे तो 1 हो चुका, तो ऐसे 5 पॉइंट से 5 ये हो गए तो 5, 5, 10 हो गए। लेकिन लेकिन ये एक ये जो है ये नया ही आके जुड़ा है 1, इस वाले पॉइंट से अगर आप काउंट करते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट से अगर आप काउंट करते हो तो एक ये बनेगा, एक इस तरह से क्या बनेगा, ये बनेगा तो 2 ये हो गए, कितने हो गए अभी 13 हो गए, और भी बन रहे क्या इसमें, ओके हटा दू इसको, तो इस वाले से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा भाई, और एक ये बन रहा था, ठीक है हो गया ना, यहाँ से, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, कौन सा ये वाला, और ये वाला हो गया, इस वाले से हो गया, इस वाले से हो गया, एक ये पूरा हो गया, देन इसके बाद अगर ऐसा कुछ बन नहीं रहा 13 ही आ रहा, 14 कैसे आ रहा तुम लोगों का, ठीक है अच्छा, एक ऊपर भी बना दिया इसने, ये भी बना दिया, ये काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 14 भाई, ये तो अगर ये पॉइंट नहीं होता ना तो ये जो स्टार बना होता है इसका 10 आता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है, इसको तो तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं है, बट ये बढ़ इसलिए गए क्योंकि इसने बीच में लाइन जोड़ दी, इस लाइन से एक ये ऊपर वाला बनेगा, एक ये नीचे वाला, एक इधर, तो कितने हो जाएंगे 4, और कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे फोकस ज्यादा करें, इंग्लिश रीजनिंग ठीक है बट जी के मैथ में स्कोर नहीं बन रहा, तो लेट्स बी गेमर, आप मैथ में अब टेस्ट दो अच्छे से, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो और ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा, देखो ऐप पर ही आती है क्लास, ऐप पर है ना, ऐप पर, और ऐप में जो है एक रफ्तार करके प्रैक्टिस बैच है, रफ्तार प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए ना, आप रीजनिंग सब सर्च करोगे, ठीक है, रीजनिंग आप सर्च करेंगे तो वहां 3 बैच दिखेंगे, लक्ष्य बैच, रफ्तार और एक स्पेशल रीजनिंग बैच। बेसिक से रीजनिंग करना चाहते हैं तो आप बेसिक वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, ओनली प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रफ्तार वाला बैच, है ना, रफ्तार वाला बैच, इसकी कॉस्ट ओनली प्रैक्टिस वाले की 99 है, 99 में आपको 15 टेस्ट मिलेंगे विद सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन होता है उसका, और साथ के साथ में चैप्टर वाइज क्लासें, और बेसिक वाले में, बेसिक वाले में 80 प्लस करके क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और ज्यादा ही होंगी, उसमें उसमें पूरा बेसिक बताया गया इसमें, और मैथ के अंदर, मैथ के अंदर जो बच्चे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ में 30 टेस्ट प्लस में चैप्टर वाइज क्लास 3 मंथ की जो बैच है वो अभी अवेलेबल है 299 में, ये 2 दिन पहले ही बैच आया जिसमें एक टेस्ट करवाया मैंने, आज उसका सोल्यूशन होगा। इस बैच का नाम है एक्सपर्ट मैथ प्रैक्टिस बैच, है ना, एक्सपर्ट मैथ प्रैक्टिस बैच, आप प्रैक्टिस कोई से भी बैच में ज्वाइन कर सकते, ठीक है। 20 होगा, लिख के ले लो, अब लिखावट कहां से करें भाई तुम लोगों से, चलो काउंट कर लो, 20 होगा तो अच्छी बात है, 18 भी होगा, 20 भी होगा, 12 का सी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो इस वाले पार्ट को छोड़ के इस वाले पार्ट पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 2 16 हो जाएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और 1 ये
और वन ये उसके बाद कोई कनेक्शन ही नहीं है ना इन दोनों का, कैसे तुम 20 कैसे कर रहे हो? अपने मन से कुछ नहीं करना होता, 18 आएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है बाहर वाले का और अंदर वाले का, ठीक है? तो क्या आएगा? ओके, जब तुम ज्यादा श्योर होते हो तो गलती करते हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज गलती करवाता है। ध्यान दो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बताइए क्या होगा। मोनिका, बेसिक मैथ की जो बैच की कॉस्ट है, बेसिक की कॉस्ट है 999 है, जिसपे 10% का डिस्काउंट है, 10% ऑफ। वो आप कोड यूज करेंगे Mona10 करके तो आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस वाले की जो कॉस्ट है वो कितनी है? प्रैक्टिस की है 299, क्या आएगा? 290। एडीसी भी होगा, कौन सा एडीसी होगा, क्या कह रहे हो? एडीसी, एडीसी, अरे भाई एडीसी तो वैसे काउंट हो चुका है, इस जो रेक्टेंगल में बन रहा है इसमें काउंट हो चुका, वो तो ऑलरेडी, कहां समस्या है निखिल? ये काउंट हो चुके, ये वाला तुम काउंट कर रहे होगे तो ये काउंट हो चुके। बताइए क्या होगा। इंडिया स्टडीज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो मोस्टली बच्चे 14 आंसर दे रहे हैं। अरे ये है ना ऊपर वाली लाइन, तो तुमने देख ली ना, कहीं तुम सोचो लाइन है भी या नहीं है। ओके, लाइन है ये, है ना? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4 2 8 प्लस 1 2 3, तो 3 यहां से, 3 वहां से, 6। तो आप सभी ने बोला मैम 14 आ गया, मैंने कहा ठीक है आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये वाला ट्रेंगल किसी की नजर नहीं गई? इसी तरह से क्या इस ट्रेंगल पे किसी की नजर नहीं गई? ठीक है, तो दो और होंगे तो कितने होंगे? ऑप्शन बी इज राइट, क्या आएगा? 16, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ओके, अब मैं आपको एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन दे, आंसर आप सभी को बताना है कमेंट। ओके, अभी मैं क्लास को ओवर करूंगी क्योंकि अभी मेरी मैथ की प्रैक्टिस बैच की क्लास है और बच्चे वेट करते हैं। तो आज वैसे भी टेस्ट का सॉल्यूशन है। देखिए मैं अगेन बता दूं आप सभी को, अभी सीजीएल और सीएचएसएल में ज्यादा टाइम नहीं है, सीजीएल और सीएचएसएल में ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप प्रैक्टिस बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट देते हो, तो रीजनिंग का रफ्तार प्रैक्टिस बैच, इस रफ्तार प्रैक्टिस बैच की कॉस्ट है ओनली 99 में 15 टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन और वीडियो लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इसमें आपको, ठीक है, 15 टेस्ट और बाकी के इसमें 20 करके लगभग इसमें 20 क्लासेस हो जाएंगी, 20 प्लस आवर्स की। और इसमें चैप्टर वाइज, चैप्टर में जिसमें ये ट्रेंगल आ गया, ये वाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज की तो मैंने 5-6 घंटे की क्लास करवा रखी है, ये सारा उसमें मिल जाएगा। और जिन बच्चों को मैथ में प्रैक्टिस करनी है, मैथ के अंदर 3 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ बोले, 3 मंथ से भी ज्यादा 100+ आवर्स की क्लासे हैं, जिसमें 30 तो टेस्ट होंगे और डेली टेस्ट दिया जाएगा, और ये टेस्ट भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, विद सॉल्यूशन। साथ के साथ में हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और इसमें ये
बहुत यूजफुल है जो CHSL की तैयारी करें और जो CGL की तैयारी। अभी देखो आपने जितना पढ़ा है वो पढ़ लिया, अभी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी प्रैक्टिस और टेस्ट। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टेस्ट करवाए जाएंगे, अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसकी जो कॉस्ट है वो 299 और इसका नाम है एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच, एक्सपर्ट मैथ प्रैक्टिस बैच। आप अगर बैच दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इंडिया स्टडीज ऐप डाउनलोड कर लो, इंडिया स्टडीज ऐप। और इंडिया स्टडीज ऐप में डाउनलोड करने में या किसी भी प्रकार में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी बैच में रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, आप नंबर कॉल कर सकते हैं 8764156858 ना 58। इस बैच की वैलिडिटी है कितनी, 4 मंथ, और इस बैच की वैलिडिटी है 1 ईयर। ओके, 4 महीने तक तुम्हारे कोर्स में रहेगा, 400 बार टेस्ट दो, 400 बार प्रैक्टिस करो, कोई फर्क मतलब हमें कोई वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी आराम से अच्छा मतलब चाहते हो अच्छे नंबर आए, अच्छा स्कोर हो, तो आराम से ज्वाइन करो। ओके चलिए, बाकी अभी क्लास है मेरी प्रैक्टिस बैच की, उन बच्चे से मिलती हूँ मैं 2-5 मिनट के बाद। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और बाकी कुछ तो वैसे भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।